फेवरेट शो मोबाइल्स एंड गैजेट्स. मैं हूँ आपकी होस्ट श्रुति शर्मा और मेरे साथ हैं दिनेश शर्मा. दिनेश, isn't it a very dull weekend this time? Why, Shruti? Why? We have so many exciting gadgets that we have to show to our audience. Oh yes, I remember. Yes. Moto's new phone. Yes, which is world's first, slimmest and lightest smartphone. Let's take a look, and it has some attachments also, yes, which are very exciting. So let's get the show started. काफी समय से हम मॉड्यूलर स्मार्टफोन्स के बारे में सुन रहे हैं, भले ही वो गूगल का प्रोजेक्ट आ रहा हो या फिर LG G5, मगर अभी तक ये कंपनीज लोगों को अपनी विजन से ज्यादा कन्विंस नहीं कर पाई. और शायद इसीलिए लेनोवो ओन मोटोरोला लाया है अपना पहला मॉड्यूलर स्मार्टफोन मोटो जी, विच लुक्स गॉर्जियस एंड प्रैक्टिकल. तो क्या वाकई ये फोन आने वाले समय के हिसाब से एक फ्यूचरिस्टिक फोन बनाया गया है? आइए जानते हैं. इसमें कोई दो राय नहीं है कि Moto Z Motorola का अभी तक का सबसे प्रीमियम लुकिंग स्मार्टफोन है. इनफैक्ट इट मेजर्स 153.3 × 75.3 × 5.19 mm एंड वेज जस्ट 139 grams, जिसकी वजह से Motorola फोन की थिननेस को एक नए मुकाम पर ले गया. एंड इट हैज बिकम वर्ल्ड्स थिनेस्ट फोन विद 5.19 mm थिकनेस. Motorola के फोन्स अभी तक काफी यूज और बल्की लगते थे, लेकिन Moto Z इज टोटली डिफरेंट एंड यूनिक. ये फोन टॉल होने के साथ साथ काफी फ्लैट और शार्प भी लगता है. इसकी साइड को बनाया गया है कंटीन्यूअस मेटल फ्रेम के साथ. जहां इसकी लेफ्ट साइड को बिल्कुल ब्लैंक रखा गया है, तो वहीं इसका हाइब्रिड सिम ट्रे स्लॉट मिलता है टॉप पर, और राइट हैंड साइड पर दिए हैं वॉल्यूम और पावर बटन्स, और बॉटम पर दिया है चार्जिंग के लिए टाइप सी पोर्ट. लेकिन इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट दिखता है इसके रियर साइड पर. जी हाँ, दिस इज वेयर ऑल द मॉड्यूलर मैजिक हैपेंस. बैक साइड पर आपको दिखते हैं 16 गोल्ड प्लेटेड मैग्नेटिक कनेक्टर्स, जिनसे आप अपने फेवरेट मॉड्यूलर एक्सेसरीज अटैच कर सकते हैं. Moto Z में दी है 5.5 इंच क्वाड HD AMOLED डिस्प्ले विद 2560x1440 पिक्सल रेजोल्यूशन, जो ना सिर्फ बेहतरीन डिस्प्ले ऑफर करती है, बल्कि इस पर मूवीज और गेमिंग एक्सपीरियंस भी आपको ऐसा मिलता है जैसे आपको हाई एंड फोन्स ऑफर करते हैं. भले ही इंडोर की बात करें या फिर आउटडोर की, इट मेंटेन्स एक्सीलेंट व्यूइंग एंगल्स इन बोथ द एनवायरनमेंट, सो दैट रीडिंग टेक्स्ट एंड वॉचिंग वीडियोस इज अ प्लेजरेबल एक्सपीरियंस. डिस्प्ले के साथ साथ Moto Z का कैमरा भी काफी अच्छा है. 13 megapixel रियर और 5 megapixel फ्रंट कैमरा विद लेजर फोकस, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन एंड डुअल LED फ्लैश आपको बेहतरीन पिक्चर्स लेने में मदद करता है. हालांकि इससे डे लाइटिंग में पिक्चर्स अच्छी जरूर आती हैं, लेकिन लो लाइटिंग के लिए Motorola को इस फोन पर थोड़ा काम ज्यादा करना होगा. चलिए बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की. तो भले ही ऑन पेपर इसकी स्पेसिफिकेशंस इंप्रेसिव जरूर है, लेकिन उतनी भी नहीं जितनी इससे कम दाम के फोन्स जैसे OnePlus 3 और Asus Zenfone 3 ऑफर कर रहे हैं. इस फोन में दिया है क्वाड कोर 1.8 GHz Qualcomm Snapdragon 820 प्रोसेसर विद इंटीग्रेटेड Adreno 530 ग्राफिक्स, 4GB RAM और 64GB इंटरनल स्टोरेज, जिसे आप माइक्रो SD कार्ड के साथ 2TB तक, जी हां 2TB तक एक्सपैंड कर सकते हैं. और ये रन करता है Android 6.0.1 पर विद वर्चुअली नो कस्टमाइजेशन, जो आपको स्टॉक एंड्रॉइड वाली फील देता है. साथ ही इसमें दी है 2600 mAh बैटरी, जिसमें Motorola का कहना है कि आप इसे सिर्फ 15 मिनट चार्ज करके 7 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं. बात करें इस फोन की परफॉर्मेंस की, तो अनलाइक अदर फोन्स विद बिग स्क्रीन्स, Moto Z हाथ में आपको काफी अच्छा ग्रिप और कंफर्ट देता है. और इस फोन के साथ मिलने वाला कवर ना सिर्फ ग्रिप को बेहतर करता है, बल्कि फोन के गर्म होने पर भी आपको बचाता है. और वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये फोन वाकई काफी बार गर्म होता है. भले ही आप कैमरा यूज कर रहे हो या फिर इस पर गेम खेल रहे हो, इस फोन का फ्रंट और रियर साइड कुछ ही मिनट में गर्म होने लगता है. हालांकि इस फोन पे मूवीज देखना हो, मल्टीपल एप्स खोलने हो या फिर वेब ब्राउजिंग करना हो, ये फोन आपको अपनी परफॉर्मेंस से बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा. So Dinesh, how was the phone?
The phone is really good, but Shruti, slim or lightweight hone ke saath saath, kaash isme kuch flexibility hoti. Well, the next gadget is also slim, flexible and lightweight. Main baat kar rahi hu ZenBook ki. Ji haan, ZenBook Flick is the next gadget aur wo flexible bhi hai. Take a look. लैपटॉप्स मार्केट में जितनी जल्दी 2-in-1 कन्वर्टेबल लैपटॉप्स ने अपनी जगह बनाई, उतनी ही जल्दी लोगों को उसकी बैटरी लाइफ से परेशानी होने लगी। और इसी परेशानी को दूर करने के लिए असूस लेके आया है अपना ZenBook Flip, जो थिन और लाइटवेट होने के साथ साथ एक हाई क्लास कन्वर्टेबल लैपटॉप भी है। तो आइए जानते हैं असूस के लेटेस्ट हाइब्रिड लैपटॉप असूस ZenBook Flip के बारे में। जैसी आपकी नजर इस लैपटॉप पर जाती है, ये वाकई एक प्रीमियम और एक्सपेंसिव लैपटॉप लगता है। इसको बनाया गया है अट्रैक्टिव एल्यूमिनियम डिजाइन के साथ और इसका रोज गोल्ड कलर इस लैपटॉप में ग्लैमर एलिमेंट डालने का काम करता है। इसके लिड को जब आप लिफ्ट करते हैं तो आपको दिखती है टच स्क्रीन, आइलैंड स्टाइल कीबोर्ड एंड स्पेशियस टच पैड। ZenBook Flip is just 1.3 kg with 12.6 into 8.7 into 0.6 inches dimensions, जो इसे lightweight के साथ साथ portable भी बनाता है। लेकिन हाँ, market में इससे भी ज्यादा lightweight laptops जैसे HP Spectre available हैं। As a 2-in-1, ZenBook Flip को आप काफी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे laptop हो, tablet हो या फिर इसे tent mode में इस्तेमाल करना। आप इसे किसी भी mode में इस्तेमाल कर सकते हैं। ZenBook Flip हालांकि काफी पतला जरूर है, but still it manages a plenty of ports and features. जहां लेफ्ट साइड पर दिया है पावर बटन, वॉल्यूम रॉकर, SD कार्ड स्लॉट एंड अ सिंगल USB 3.0 पोर्ट, तो वहीं राइट हैंड साइड पर आपको मिलता है 3.5 mm कॉम्बो जैक, माइक्रो HDMI, USB टाइप सी, USB 3.0 और DC पावर इनपुट। इतना पतला डिवाइस होने के बावजूद इसके कीबोर्ड पर काम करना इज नॉट लेस देन अ ट्रीट। इसके फंक्शन कीज को आप इजीली प्रेस कर सकते हैं, लेकिन इसकी एरो कीज हमें थोड़ी छोटी लगी, but the trackpad is good. It's fairly large and has a smooth finish. ZenBook Flip की स्क्रीन की बात करें तो इसमें दी है 13.3 inch high quality IPS display with 3200 into 1800 QHD resolution, जो आपको काफी रिच कलर्स डिलीवर करती है। और साथ ही स्क्रीन है टच बेस्ड, जो काफी रिस्पॉन्सिव भी है, जिसका मतलब स्क्रीन पर आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा होगा। लेकिन इसके स्क्रीन में हमें दो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। एक ये कि स्क्रीन काफी ग्लॉसी है, जिसकी वजह से आपको काफी रिफ्लेक्शन फेस करनी पड़ती है, और दूसरा इसके वीक हिंजेस, जिसकी वजह से ये स्क्रीन काफी अनस्टेबल रहती है। हालांकि इसके नीचे की तरफ दिए गए स्पीकर्स डीसेंट साउंड जनरेट करते हैं, लेकिन जब आप इसकी स्क्रीन को फोल्ड कर इसे टैबलेट फॉर्म में यूज करते हैं, सो दीज स्पीकर्स आर कम्प्लीटली ब्लॉक्ड। Asus ने इस डिवाइस में दिया है इंटेल का M7 प्रोसेसर, 8GB RAM, 512GB SSD स्टोरेज और ये रन करता है विंडोज 10 पर। स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से Asus ने इस डिवाइस को उन यूजर्स के लिए बनाया है जिन्हें थिन और लाइटवेट डिवाइस के साथ साथ पावरफुल डिवाइस भी पसंद है। इस रिव्यू यूनिट को जब हमने विग्रेसली यूज किया, सो वी डिडंट फेस एनी इशू इन एवरीडे टास्क, भले ही वो वर्ड प्रोसेसिंग हो, वेब ब्राउजिंग हो या फिर वीडियो प्लेबैक। इनफैक्ट बहुत सारे टैब्स और प्रोग्राम्स को एक साथ खोलने के बावजूद द प्रोसेसर परफॉर्म रियली वेल। 2-in-1 लैपटॉप्स में बैटरी लाइफ से सभी परेशान रहते हैं, बट Asus has given a decent battery life along with impressive performance. हमारे इस्तेमाल करने पर ZenBook Flip ने हमें दिया लगभग 8 घंटे का बैटरी बैकअप, जिसमें वेब ब्राउजिंग, मूवीज और म्यूजिक शामिल था। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि Asus की तरफ से ZenBook Flip एक अच्छी ऑफरिंग है, जिसका दाम शुरू होता है 46,990 रुपए से। हालांकि इसका अल्ट्रा थिन डिजाइन, लग्जरी फील एंड सॉलिड परफॉर्मेंस जरूर इसे ब्राउनी पॉइंट्स दिलाते हैं, लेकिन इसके वीक हिंजेस और हाईली रिफ्लेक्टिव स्क्रीन की वजह से ये एप्पल के मैकबुक जितना दमदार और रिलायबल नहीं है। श्रुति, हम इंडियंस को क्या हो गया है? क्या I mean, दिवाली आई थी, हम सब ने पहले भी प्रॉमिस किया था कि हम क्रैकर्स बर्न नहीं करेंगे, और क्रैकर्स बर्न करने के बाद कितना स्मोक हो गया है। स्मोक हो गया है। आई कैन अंडरस्टैंड दिनेश, बट यस, देयर इज अ सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। सो यस, वी हैव अ सॉल्यूशन फॉर योर स्मोक एंड योर फ्रेश ब्रीदिंग एज वेल। और इसीलिए हम खास आपके लिए लाए हैं ये एयर प्यूरिफायर, विच हेल्प यू ब्रीद फ्रेश। पर
पॉल्यूशन और स्मॉग की रिपोर्ट्स के बाद एयर प्यूरिफायर अब मस्ट हैव गैजेट्स की लिस्ट में शुमार हो गए हैं। ये है पैनासोनिक के इको नेवी सीरीज का एयर प्यूरिफायर FPX H55A। इस प्यूरिफायर का डिजाइन काफी कॉम्पैक्ट और स्टर्डी है टू सूट एवरी कॉर्नर ऑफ योर हाउस, और साथ ही इसका साइज भी विच इज 30x58x20.5 सेंटीमीटर और 5.8 kg वेट के साथ इट्स प्रीटी लाइट, और इसकी वजह से आप इसे इजीली मूव भी कर सकते हैं। इसका स्टैंडिंग रेक्टेंगुलर शेप्ड एक्सटीरियर लुक काफी मॉडर्न और एलिगेंट, बट अ सिंपल इंडिकेटर दैट शोज द सराउंडिंग एयर क्वालिटी इन डिजिटल फॉर्मेट वाज मिसिंग हियर। इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है जस्ट लाइक एनी अदर पैनासोनिक प्रोडक्ट। ये इको नेवी प्योरिफायर नैनो टेक्नोलॉजी पर काम करके प्योरिफिकेशन देता है। इको नेवी सीरीज 50% एनर्जी सेव करता है, साथ ही इसमें मेगा कैचर टेक्नोलॉजी, लॉन्ग लाइफ कॉम्पोजिट फिल्टर एंड डिओड्राइजिंग फिल्टर, लाइट सेंसर, क्लीन साइन, चाइल्ड लॉक कम स्लीप मोड, स्पॉट एयर मोड, फिल्टर रिप्लेस इंडिकेटर जैसे फीचर्स हैं। बाकी प्योरिफायर्स की तरह पैनासोनिक में नैनो टेक्नोलॉजी है जो बैक्टीरिया ग्रोथ स्पेशली H1N1 बैक्टीरिया को, साथ ही प्योरिफायर बैड ऑडर्स और टोबैको स्मेल हटाता है और एक मॉइस्चर की प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है ताकि आपकी स्किन इसे यूज करते वक्त ड्राई ना हो। इसका ऑल एंगल 3D सर्कुलेशन एयर फ्लो डस्ट और डर्ट को सराउंडिंग्स और 30 सेंटीमीटर फ्लोर से क्लीन करता है विद अ पावरफुल सक्शन दैट कैन क्विकली एब्जॉर्ब पॉल्यूटेंट्स थ्रू इट्स फ्रंट ओपनिंग। इस प्योरिफायर का 10 साल का लाइफ स्पैन है बोथ फॉर कॉम्पोजिट फिल्टर एंड डिओड्राइजिंग फिल्टर। यही नहीं, इसकी स्पेशल लाइट इंडिकेटर की तरह काम करती है विद अ मीनिंग फॉर ईच वन ऑफ देम, ब्लू फॉर क्लीन, रेड स्मॉल स्लाइटली डर्टी एंड रेड लार्ज डर्टी। एंड द मोस्ट फेवरेट इज लाइट सेंसर फीचर दैट टर्न्स ऑफ द यूनिट्स लाइट व्हेन देयर इज नो वन अराउंड। Lastly, a filter replace indicator that will remind you to change the filter when the filter is dirty. इसका पावर इनपुट थोड़ा हायर साइड पर है ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग एयर फ्लो एट 49 वॉट मैक्सिमम डाउन टू 11 वॉट एंड 7 वॉट मिनिमम। इस एयर प्योरिफायर में ह्यूमिडिफाइंग फंक्शन नहीं है, बट इट विल नॉट बी अ बिग मिस गिवन इट्स अट्रैक्टिव प्राइस। ये ब्लैक और व्हाइट दो कलर्स में अवेलेबल है और इसकी कीमत है 25,000 रुपए। दिनेश, yes. मेरे पास एक क्वेश्चन है। पूछो। क्या होता है जब हमारे पास समय कम होता है लेकिन बहुत सारे गैजेट और टेक्नोलॉजी होती है दिखाने के लिए? श्रुति, मैं और हमारी ऑडियंस काफी स्मार्ट है। वी आर टॉकिंग अबाउट गैजेट्स गैलोर, राइट? यस। टेक्नोलॉजी की इस बिजी दुनिया में कई बार हम कुछ बेहतरीन गैजेट्स मिस कर जाते हैं, और इसीलिए हम लाए हैं गैजेट्स गैलोर, जिसमें हम आपको देंगे कुछ नए इंटरेस्टिंग गैजेट्स खरीदने की ऑप्शंस। शुरुआत करते हैं कुछ फन और हैपनिंग गैजेट से। तो ये है बोस का क्वाइट कंफर्ट 3.5 वायरलेस हेडफोन, जो बोस का पहला ऐसा नॉइस कैंसलिंग हेडफोन है दैट आल्सो फीचर वायरलेस कैपेबिलिटी। और जैसे कि अब एप्पल अपने नए आईफोन से 3.5 mm जैक हटा चुका है, सो दिस हेडफोन कुड बी अ गुड चॉइस फॉर म्यूजिक लवर्स। इस हेडफोन में बोस ने दिया है डिजिटल इक्वलाइजर जो साउंड को ऑटोमेटिकली ट्वीक कर देता है, जिससे आपको मिलती है स्मूथ एंड एक्यूरेट साउंड इवन एट लो वॉल्यूम्स। QC35 ना सिर्फ एक हेडफोन है बल्कि दे वर्क एज अ हेडसेट टू, जिसका मतलब आप इनसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली से भी कॉल पे बात कर सकते हैं। अगर बोस की माने तो क्वाइट कम्फर्ट 3.5 आपको देता है लगभग 20 घंटे का बैकअप ऑन अ सिंगल चार्ज, विच इज जस्ट ऑसम। बोस क्वाइट कम्फर्ट 3.5 को आप खरीद सकते हैं 29,363 रुपए में। जब बात वायरलेस वेयरेबल्स की हो रही है तो आइए सैमसंग के गेयर आइकन एक्स की भी बात कर लेते हैं। सैमसंग के गेयर आइकन एक्स को हम कह सकते हैं कि ये ब्लूटूथ वेयरेबल्स में एक नई ब्रीड है जो दो सेपरेट ईयरफोन्स को कंबाइन कर आपको एक बेहतरीन वायरलेस एक्सपीरियंस देता है। गेयर आइकन एक्स हैज अ सोफिस्टिकेटेड डिजाइन जो आपको बाकी क्राउड से अलग दिखाता है, और जैसे ही आप इसे इसके बॉक्स में से निकालते हैं जो इसे चार्ज करने का भी काम करता है, यू विल फील दैट दिस इज अ न्यू ब्रीड ऑफ गैजेट। गियर आइकन एक्स में दिए हैं टच सेंसिटिव कंट्रोल्स, जिससे आप प्ले, पॉज, वॉल्यूम और नेक्स्ट और प्रीवियस ट्रैक भी कंट्रोल कर सकते हैं। म्यूजिक प्लेबैक के अलावा गियर आइकन एक्स आपको आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को भी ट्रैक करने का मौका देता है। हालांकि 47 mAh बैटरी की वजह से इट डोंट लास्ट वेरी लॉन्ग, लेकिन गियर आइकन एक्स वाकई एक बहुत कूल गैजेट है और इसे आप खरीद सकते हैं 13,490 रुपए में। चलिए अब बात करते हैं कुछ स्मार्टफोन्स की भी।
तो ये है HTC Desire 10 Lifestyle। ये फोन आता है 5.5 इंच टच स्क्रीन डिस्प्ले के साथ विद अ रेजोल्यूशन ऑफ 720x1280 पिक्सल्स। इस फोन में दिया है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 400 प्रोसेसर और ये आता है 2GB रैम के साथ। फोन पैक 16GB इंटरनल स्टोरेज जिसे आप 2GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। कैमरा की बात करें तो इसमें दिया है 13MP प्राइमरी कैमरा और 5MP फ्रंट कैमरा। HTC Desire Lifestyle रन करता है Android 6.0 पर और इसमें दी है 2700mAh बैटरी और इसका दाम है 15,990 रुपए। वेल, अगर इस स्पेसिफिकेशन से आप खुश नहीं हुए हैं तो अगला फोन है Sony का Xperia XZ। ये फोन आता है 5.2 इंच टच स्क्रीन डिस्प्ले के साथ विद अ रेजोल्यूशन ऑफ 1080x1920 पिक्सल्स। स्पेसिफिकेशंस के मामले में इस फोन में दिया है क्वालकॉम का दमदार स्नैपड्रैगन 820 प्रोसेसर विद 3GB रैम और ये फोन आता है 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ जिसे आप 200GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। सोनी ने Xperia XZ में दिया है 23MP प्राइमरी कैमरा और 13MP फ्रंट कैमरा और ये रन करता है एंड्रॉइड 6.0 पर। सोनी के Xperia XZ को आप खरीद सकते हैं 39,000 रुपए में। चलिए जाते जाते IoT डिवाइस की भी बात कर लेते हैं। ये है रियोस का लाइट LED स्मार्ट बल्ब जिसको आप अपने घर के किसी भी E27 स्लॉट में फिक्स कर सकते हैं। ये बल्ब किसी भी LED बल्ब की तरह ही काम करता है लेकिन आप अपने फोन पर रियोस लाइट ऐप डाउनलोड कर इसके स्मार्ट फीचर्स यूज कर सकते हैं, जिसका मतलब इस LED बल्ब को आप ऑन ऑफ के अलावा अपने फोन से ही इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसके साथ आप इस बल्ब को अपने फेवरेट म्यूजिक और अपनी वॉइस के साथ भी सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। रियोस लाइट LED स्मार्ट बल्ब की रेंज है 15 मीटर्स, जिसका मतलब आप इस बल्ब को घर के दूसरे कमरे से भी ऑपरेट कर सकते हैं। स्मार्ट LED बल्ब को आप खरीद सकते हैं 1300 रुपए में। श्रुति, हमारा शो वीकेंड पे आता है, हमारा शो देखने के बाद लोग और क्या कर सकते हैं? वही करते हैं दिनेश जो तुम करते हो। गेमिंग की बात कर रहे हो? यू गॉट इट, यू आर सो स्मार्ट। अगर आपको ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट वाली गेम्स पसंद आती हैं, तो आज हम आपके लिए लाए हैं द मच अवेटेड गेम माफिया 3 का रिव्यू। माफिया 3 एक एक्शन एडवेंचर वीडियो गेम है जिसे हैंगर 13 ने डेवलप किया है और 2K गेम्स ने पब्लिश किया है। A modern city with traditional southern values. ये गेम शुरू होती है 1968 में, जहाँ पर इस गेम का प्रोटैगनिस्ट है लिंकन क्ले। इस गेम की स्टोरी आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगी क्योंकि ये सारी गेम रेसिज्म और वायलेंस पर बेस्ड है और क्योंकि आपका प्लेयर गोरा नहीं है इसलिए इसे सभी बुली करने की कोशिश करते हैं, जो हो नहीं पाता। अब हालांकि आपका प्लेयर वियतनाम वॉर में लड़ने वाला एक सोल्जर है, पर न्यू बोर्डोक सिटी में इसे कुछ क्रिमिनल से जुड़कर इटालियन मोब को खत्म करना है। इस गेम में आपको मिशंस कंप्लीट करके जगह जगह अपना कब्जा जमाना है। इसकी स्टोरी और कैरेक्टर डिजाइनिंग काफी अच्छे से की गई है और बेशक आप इस गेम को खेलने पर मजबूर हो जाएंगे। एवरीथिंग इन माफिया 3 इज कॉम्पिटेंट, द ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इज एडिक्वेट एंड कॉम्बैट इज अबाउट एज ग्रेटिफाइंग एज इट नीड्स टू बी। अब हालांकि हमें ये गेम पसंद आई, पर इस गेम में काफी फ्लॉज भी हैं, जैसे कि आपके दुश्मन खुद ब खुद आपके सामने आ जाएंगे ताकि आप उन्हें आसानी से शूट कर पाए, जिसकी वजह से ये गेम काफी आसान लगेगी और आप जल्दी बोर हो जाएंगे। इसके अलावा इस गेम में ऐसा लगता है जैसे लूप मोड पर डाल दिया हो, बिकॉज माफिया 3 लैक्स द मिशन टाइप डाइवर्सिटी, गेटिंग वेरी रिपीटेटिव एंड एनकाउंटर्स अ लॉट ऑफ गेम ग्लिचेस। गेम की ग्राफिक्स की बात करें तो न्यू बोर्डोक सिटी इज समथिंग ऑफ अ वंडर। ये काफी खूबसूरत है और काफी लाइवली भी, और अगर आप ये गेम खेलेंगे तो आप भी इस सिटी में जाना चाहेंगे। डेवलपर्स को अच्छे से पता है कि गेम के ग्राफिक्स एक गेम का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होते हैं, इसीलिए इस गेम में ग्राफिक्स वाइज कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। अब सवाल है कि क्या ये गेम GTA 5 को टक्कर दे पाती है और क्या ये गेम उससे बेहतर है? तो हम आपको बता दें कि ये GTA 5 से बेहतर नहीं है, लेकिन किसी भी एस्पेक्ट में उससे कम भी नहीं। आप बेशक इस गेम को खरीद सकते हैं।
हालांकि इस गेम में कुछ फ्लॉज दिखेंगे, पर ये फ्लॉज को अगर हटा दिया जाए तो ये गेम एक मॉडर्न गेम के क्राइटेरिया को पूरी तरह मैच करती है। माफिया 3 हैज अ वेरी स्टाइलिश एंड ब्रूटल गन फाइट दैट मेक्स इट स्टैंड्स आउट। इसके साथ ही वक्त हो चला है इस गेम को रेटिंग्स देने का, तो इसके गेम प्ले को हम देंगे 7 out of 10, ग्राफिक्स को देंगे 8 out of 10 और ओवरऑल रेटिंग्स होंगी 8 out of 10। अब अगर आप भी इस गेम को खेलना चाहते हैं तो एक्सबॉक्स और PS4 के लिए ये गेम आएगी 3499 रुपए में। So that's all we have in this power-packed episode. I hope आपको हमारा शो पसंद आया होगा और हमेशा की तरह आप हमारे सारे कूल एपिसोड YouTube पर देख सकते हैं और Facebook पे हमारे फ्रेंड्स बन सकते हैं, Twitter पे ट्वीट कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी की दुनिया में अगले हफ्ते होने वाले हैं काफी नए गैजेट लॉन्च और हम आपको दिखाएंगे उनके लॉन्च पैड्स और साथ ही साथ रिव्यू भी। So until next time, take care.